हर खबर पर होगी आपकी पकड़, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क मैदान में खेला जाएगा। हमारे साथ मैच एनालिसिस के लिए, मैच प्रीव्यू एनालिसिस के लिए हमारे साथ है लक्ष्मी रतन शुक्ला, भारत के पूर्व क्रिकेटर। लक्ष्मी दा, बहुत स्वागत। आपसे पहले जानना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप इस साल भारतीय टीम को खेलना है और 5 मैच की टी20 सीरीज, ज्यादा देखने को ऐसा नहीं मिलता है कि दोनों टीम 5-5 मैच खेल रही है, तो कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेगा पहले मुकाबले में? देखिए, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हमेशा बहुत उत्तेजना भरा होता है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो इतिहास से आपको पता चलेगा कि वो जो एक एक्साइटमेंट है वो बहुत बहुत तगड़ा रहता है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड में जाके खेलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और हालांकि पहले के जैसा अभी का न्यूजीलैंड का वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो पहले रहता था, अभी उतना चैलेंजिंग नहीं है। सचिन ने भी बताया कि बहुत ज्यादा सीमिंग विकेट पहले रहता था और जिसमें स्विंग बॉलर्स के लिए बहुत कुछ बहुत ज्यादा ही रहता था, लेकिन अब ज्यादातर बैटिंग विकेट हो गया, हार्ड विकेट हो गया है और मुकाबला भी बहुत छोटे ग्राउंड में खेला जाना है। ये ईडन पार्क जो मैदान है, न्यूजीलैंड का मैदान हमेशा से ही छोटा रहा है, स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है। और पहले हम लोग बहुत चेस्ट गार्ड देखते थे, है ना, बहुत सारा गार्ड देखते थे, लेकिन अब वो नहीं देखते। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है, जिसे सचिन पाजी ने जो बोला है कि वो विकेट जहाँ पे पहले लोग बैकफुट में रहते थे, बिल्कुल, क्योंकि पूरा घास मैदान पता नहीं चलता था, पिच और मैदान में अंतर नहीं था, लेकिन अभी पिच और मैदान में वो अंतर है जो सीमेंट और ग्रास में जो अंतर रहता है, एक तरफ सफेद रहेगा और एक तरफ ग्रीन रहेगा। बैटिंग कंडीशन अगर आप बोले, बैटिंग ऑब्वियसली बैट्समैन लोग के लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि फिर भी वो न्यूजीलैंड है, हवा चलती है, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है, ऑब्वियसली बोल्ट जैसे महान गेंदबाज नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, बोल्ट नहीं है, लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है, मैट हेनरी नहीं है, तीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक भारतीय टीम के लिए सुविधा तो जरूर है। जी जी, जरूर है, लेकिन न्यूजीलैंड भी आप देखिएगा तो उनके पास इन तीनों के अलावा भी विकल्प है, तो जो नहीं है उसको लेके सोच के फायदा नहीं। हमारे पास शिखर धवन नहीं है जो बहुत अच्छे फॉर्म में, वैसे देखा जाए तो दीपक चाहर भी नहीं है, भुवनेश्वर कुमार भी नहीं, लेकिन नहीं है, अपने बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छा बहुत है। क्योंकि हमारा प्लानिंग जो मैंने बार बार एक चीज को बड़ा जोर दे के बोला और जो समझा है कि धोनी ने जो सेटअप करके गया है वो सेटअप रवि शास्त्री और विराट कोहली बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। सबको घुमा फिरा के खेलने का जो पॉलिसी है ये पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का था, हिंदुस्तान ने भी कभी आज तक किसी भी कप्तान ने उतने अच्छे तरह से रोटेशन नहीं किया जितने अच्छे तरह से धोनी ने किया। और उसके बाद आपका विराट कोहली जो कर रहा है, सो कहीं ना कहीं वही इंडियन टीम खेल रही है जिसको धोनी ने छोड़ दिया। इसके पहले सौरभ ने जो छोड़ा था धोनी ने उसको पकड़ा था, अभी धोनी ने जिसको छोड़ा है विराट ने पकड़ा है, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा है। चले दर्शकों को बता देता हूँ कि प्लेइंग 11 किस तरह का हो सकता है भारतीय टीम का। पहले बल्लेबाजी करने आएंगे रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल, जो कि शानदार विकेट कीपिंग भी फिलहाल कर रहे हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर, 5 पे मनीष पांडे। और अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए वो खेल सकते हैं, नहीं तो शिवम दुबे वो आ सकते हैं। बहुत दिनों के बाद एक संभावना तो जरूर है कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव दोनों को एक साथ देखने का, लेकिन आपको बता दूं कि मैदान छोटा है, ये ज्यादातर एक पूरे साल भर इसमें बेसबॉल खेला जाता है ये ईडन पार्क मैदान में, और ये बेसबॉल शेप का एक मैदान है, तो जो भारतीय कैप्टन विराट कोहली के लिए फील्डिंग प्लेसमेंट भी थोड़ा यहां मुश्किल हो सकता है। सिर्फ विराट के लिए नहीं, किसी के लिए भी, क्योंकि नॉर्मल सा क्रिकेट मैदान में मान लीजिए पॉइंट यहां होता है, ये स्ट्रेट लाइन में कवर्स यहां होता है, लेकिन ये जो मैदान है ईडन पार्क, यहां अनयूजुअल फील्डिंग प्लेसमेंट होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बल्लेबाजों का मिस हिट भी सिक्सर के लिए जाता है, तो यहां ऐसा भी हो सकता है कि रविंद्र जडेजा, क्योंकि वो थोड़ा तेज गेंदबाजी करते हैं, स्पिन तो करते हैं लेकिन थोड़ा फ्लैट डाल सकते हैं, और कुलदीप यादव के खिलाफ अगर बल्लेबाज ट्राई करेंगे तो ज्यादातर बॉल मिस हिट भी बाहर जा सकते, तो ये रीजन है कि इस मैदान पर रविंद्र जडेजा के लिए एक चांस ले सकते हैं। कप्तान, आप क्या कहेंगे? और फास्ट बॉलर, 2 फास्ट बॉलर टीम में प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग लाइनअप में श्योर है, एक है मोहम्मद शमी, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, और दूसरा जसप्रीत बुमराह, तीसरा हो सकता है नवदीप साइनी, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी खेल सकते हैं। और एक कहानी आपको बता रहा हूं, मुझे याद है कि जब लक्ष्मी रतन शुक्ला मेरे साथ है 8 साल पहले, जब एकदम रूकी बॉलर थे मोहम्मद शमी, तो इन्होंने मेरे को एक दिन बताया कि अभी इसको देख लीजिए,
ये जो गेंदबाज है एक दिन भारतीय टीम के लिए जरूर खेलेंगे और 400-500 विकेट लेंगे। और मुझे याद है रात को करीब 10 बज रहा था ऐसा, तो हम लोग एक नाइट राइडर्स मैच, दो दिन बाद था नाइट राइडर्स का एक मुकाबला, कोलकाता में मैच था, तो लक्ष्मी दा ने शमी को बुलाया सडनली और शमी आया, मुझे याद है मैच का दो दिन था, और मोहम्मद ये बताया कि इनसे इनको आप बात कर लीजिए इनसे और अपना पहचान बढ़ाइए, एक दिन देखेंगे आप कि ये जरूर भारतीय टीम के लिए खेलेंगे और 300-400 विकेट लेंगे। आज मुझे याद आ रहा है वो कहानी, आप क्या लगा था, क्यों आपको स्पेशल लगता था मोहम्मद शमी पहले से? देखिए कुछ प्लेयर है, आपको पता होगा कि अशोक डिंडा का भी कुछ इसी तरह हमने सिलेक्शन किया था। फर्स्ट टाइम जब नाइट राइडर का मैच चालू हुआ था, रिकी पॉन्टिंग ने हमको बोला कि नेट के लिए हमको कुछ बॉलर चाहिए, तो मैंने डिंडा को बोला था आके एक बार ट्रायल दो, बोला नहीं हमको सेलेक्ट नहीं किया, हम बोले नहीं यू कम, आप आइए और आके आप ट्रायल दीजिए। तो रिकी पॉन्टिंग को डिंडा बहुत पसंद आया था, उसी तरह से उसी तरीके से हमारे पूर्व नेशनल सेलेक्टर संबरन बनर्जी, वो टीम के हमारे बंगाल टीम के सेलेक्टर थे और हम कप्तान थे, तो शमी को मैंने देखा अंडर 23 के लिए खेल रहा था, तो मैंने उसको नेट में बुलाया और मैंने संबरन दा को बोला कि सर ये लड़का मुझे चाहिए, तो बोले नहीं 23 खेल रहा हम नहीं दे सकते, डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, सीजन चालू नहीं होता 23 का, हम बोले नहीं हमको चाहिए ये लड़का। तो संबरन बनर्जी हमेशा से खुद एक कीर्तिमान है, अच्छा अच्छा सौरभ गांगुली को उन्होंने सेलेक्ट किया और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया बंगाल के लिए, तो उन्होंने मेरा बात माना और मोहम्मद शमी आज इतिहास बन गया है। मोहम्मद आपके हाथ में वाइट गेंद है, आप अगर देखिएगा तो मोहम्मद शमी शुरू से इस तरह दौड़ते हैं और फिर इस तरह लेते हैं। हाँ। वसीम अकरम ने उनके ऊपर बहुत मेहनत किया है, बिल्कुल नाइट राइडर के समय में वसीम अकरम उनको जब सुबह 8 बजे जिम में बुलाते थे तो शमी नहीं आते थे, शमी बोलते थे कि सर हम सुबह 6:30 बजे हमने जिम कर लिया है, तो वसीम अकरम 6 बजे पहुंच गए और 9 बजे तक शमी के इंतजार किए और शमी नहीं आए 3 दिन तक, और वसीम अकरम ने रोज पूछता था उनसे कि शमी यार तुम जिम कर लिए? हाँ पाजी मैंने सुबह 6:30 बजे जिम कर लिया, और वसीम भाई ने बोला हम 3 दिन आए थे और तुमको 1 दिन भी हम नहीं देखे। सो कहीं ना कहीं वसीम भाई ने कुछ सीरियसनेस जो कमी था मोहम्मद शमी का उसको पुश करने के लिए वसीम अकरम का बहुत बड़ा योगदान है। नाइट राइडर्स में जब ये भाई साहब खेलते थे तब नाइट राइडर्स मैच से पहले भी मतलब वो डिनर और लंच में बिरयानी बहुत खाया जाता था, तो मोहम्मद शमी भी एक ऐसे कैंडिडेट है जो बिरयानी बहुत खाने के लिए बहुत पसंद करते हैं और फास्ट बॉलर है, लेकिन मतलब जो है एकदम पहला चीज है बहुत जिस तरह का डाइट देखने को मिलता हमको है, हमको नहीं लगता है कि हमको नहीं लगता है कि एक प्रोफेशनल, हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल प्लेयर के लिए ये डाइट होता है, हम लोग विराट कोहली का डाइट देखा, हमने बहुत सारे प्लेयरों का डाइट देखा है, लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं बहुत स्पेशल टैलेंटेड होते हैं बॉलर या बैट्समैन, उस तरीके से हमको लगता है कि मोहम्मद शमी एकदम ही अलग है। हमने आज तक सौरभ गांगुली को डाइट करते नहीं देखा, हमने सचिन को डाइट करते नहीं देखा, राहुल द्रविड़ बड़ा डिसिप्लिन में रहते थे, तो देखिए ये महान प्लेयर बन गए, और महान प्लेयर जब महान बन जाता है तो कितना बिरयानी खाना और कितना तंदूरी चिकन खाना है इसका भी उनको आइडिया रहता है। सो देखिए ये खुद के अंदर है कि हमको भारत के लिए अगर खेलना है तो बिरयानी में भी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और तंदूरी चिकन में भी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। देखिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तो, लेकिन मुरादाबादी बिरयानी जो है जरूर वो चखने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद शमी बहुत तीखा बिरयानी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और उसमें मतलब मुरादाबाद के साथ बंगाल का मतलब तड़का लगा हुआ है, बिल्कुल पूरा तड़का लगा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही। और लक्ष्मीदा ये आपसे जानना चाहूंगा कि जसप्रीत बुमराह जिस तरह से इंप्रूव किया खुद को पिछले 3-4 सालों में और अभी दुनिया के नंबर वन फास्ट बॉलर है, पहले तो ये कहा गया था एक समय कि नहीं वो T20 का ही बॉलर है, T20 का प्रोडक्ट है, माइकल होल्डिंग जैसे महान गेंदबाज कहा था कि नहीं वो लंबे फॉर्मेट का गेंदबाज नहीं है, लेकिन फिर वो वनडे क्रिकेट में आए, फिर टेस्ट क्रिकेट में आए और इम्प्रूव करता ही गया एवरी डे, तो क्या कहेंगे कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारतीय टीम के लिए पूरे साल, क्योंकि ये साल ही T20 विश्व कप खेलना है। देखिए कुछ बॉलर जब निकले, दिलीप ट्रॉफी हमको याद है, हम लोग खेल रहे थे आपका, उस समय मैंने फर्स्ट टाइम बुमराह को देखा था, मुझे लगा था मुझे क्यों, जहीर भी उस मैच में आए थे, जहीर खुद आए थे और जहीर ने खुद बोला था कि लक्ष्मी देखना ये बॉलर एक दिन बहुत अच्छा करेगा, और सच में 7-8-9-10 स्टेप भी नहीं है उसका और आके जिस तरह बॉलिंग करते एक अलग टाइप का एक्शन है, और उन्होंने मोहम्मद शमी और बुमराह ने, देखिए भुवनेश्वर कुमार एक अलग टाइप के बॉलर हैं, वो स्विंग कराते हैं, बहुत बहुत पुराने कैंडिडेट हैं और अच्छा कर रहे हैं, ईशान शर्मा
खेलते हैं नहीं खेलते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत लंबा करियर ईशान का भी रहा है, बहुत शानदार करियर है, लेकिन मोहम्मद शमी और बुमराह का, ये दोनों का जो करियर है इसमें स्टॉप नहीं था। इंजरी अगर छोड़ दीजिए तो दोनों ने बहुत जस्टिस किया, इंडिया को दोनों ने अभी तक बहुत बेहतरीन सर्विस किया। और सबसे अच्छा चीज़ है जो बीच में हम सुन रहे थे कि वो इंजर्ड होकर उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, हमको लगता है कि कुछ प्लेयर को डोमेस्टिक खेलने का जरूरत नहीं। अभी हमने अभी हाल ही में देखा कि एक हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर सेलेक्टर हमारे रेस्पेक्टेड, उन्होंने एक कमेंट किया कि धोनी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। तो हमको लगता है कि बुमराह और धोनी, विराट, अगर इनको खेलना जब तक फॉर्म है, इतने ऐसे ही इतना ज्यादा क्रिकेट है, वर्कलोड ज्यादा है, अगर आप डोमेस्टिक खेलेंगे तो, और सौरभ ने कहीं ना कहीं बर्न आउट हो जाए, सौरभ गांगुली ने कहीं ना कहीं बेहतरीन डिसीजन लिया और उन्होंने ये कमेंट किया कि बुमराह डायरेक्ट खेलेगा, ये होना चाहिए। आप लीडरशिप इसी को बोलते हैं, आप एक जन को रणजी ट्रॉफी खिला के, अभी आप देखिए ईशांत शर्मा इंजर्ड हो गया रणजी ट्रॉफी खेल के, सो सारा साल क्रिकेट खेलने के बाद हमको लगता है कुछ प्लेयरों को रणजी ट्रॉफी खेलने के, जैसे विराट कोहली नहीं खेल सकते, जब भी फिटनेस टेस्ट का जरूरत है तो तब जाके खेलिए, चार दिन फिर भी हमको अगर बहुत बड़ा इंजरी से आ रहे हैं तो। लेकिन ये देखिए ये सीजन प्लेयर हो गए, अभी सीजन प्लेयर इंजरी के बाद नेट में अपने आप को फिट कर लेते हैं, तो हमको लगता है कुछ लोगों के लिए ग्रेस मार्क रहना चाहिए। सौरभ गांगुली खुद बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, वो खुद इतने साल क्रिकेट खेले हैं, ये लोग भी कभी आके रणजी ट्रॉफी खुद खेलते थे, महान बल्लेबाज थे, उस समय शायद मैच थोड़ा कम था, अभी मैच बहुत ज्यादा है, तो ये समझते हैं कि प्लेयर को क्या जरूरत है। और एक चीज जो हम बात कर रहे थे, वसीम अकरम, वसीम अकरम कितना हेल्प किया मोहम्मद शमी को, मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कोलकाता में वसीम भाई ने कहा था एक मैच से पहले कि आपको अब ज्यादा गेंदबाजी करना चाहिए, उसके आगे अगला साल मैच साउथ अफ्रीका में था जी। तो मुझे याद है पोर्ट एलिजाबेथ में मैच चल रहा था, आपने सचिन तेंदुलकर का विकेट भी लिया था, LBW किया था सचिन को, तो ये वसीम अकरम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मोहम्मद शमी के लिए, क्या लगता है आज जो मोहम्मद शमी को हम लोग देखते हैं ये टोटली अ कंट्रीब्यूशन ऑफ वसीम अकरम? देखिए हमको लगता है कि नॉट ओनली वसीम अकरम, ऑब्वियसली उनका खुद के कोच, वो जिस स्टेट से खेलते हैं उस स्टेट का लीडरशिप उनको बहुत इंप्रूव किया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बैकअप किया। देखिए किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे सिर्फ एक हाथ नहीं होता, बहुत सारे हाथ होते, उनमें से एक हाथ वसीम अकरम का ऑब्वियसली है, वो जो जिंदगी भर हम सबको याद रहेगा, शमी को याद रहेगा, जो कभी शायद भूलेंगे नहीं। ये जो गाइडेंस, अभी हमने आपको जो सुबह एक स्टोरी बताया ना, सुबह वाला स्टोरी, कि वो बोलते थे कि हम 6:30 बजे वसीम भाई हमने जिम कर लिया, जबकि शमी आते नहीं थे जिम में, तो उन्होंने 3 दिन सुबह 6 बजे आया वसीम अकरम, आप समझिए वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर में से एक वसीम अकरम 6 बजे आते थे, और उनके साथ लक्ष्मी रतन शुक्ला भी आता था, बोलते थे हमको, बोलते थे लक्ष्मी सुबह आ जाना। 3 दिन शमी ने गोली मारा, वसीम अकरम ने उसको पकड़ा और हंस के बोला, डाटा नहीं, कि बोले बेटा मेरे लिए नहीं, तू अपने लिए कर। तो ये जो एक बात है, एक प्लेयर लाइक सचिन, सौरभ, वसीम अकरम, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़, ये जो पीठ वाला जो थप्पड़ था ना, हमको लगता है वो मोहम्मद शमी को आज जो जिस जगह पे है उस जगह पे लेके गया। KL राहुल मेकशिफ्ट विकेट कीपर के तौर पे जी उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बेहतरीन स्टंपिंग किया जी पिछले सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऐसा लग रहा है कि वो इंजॉय कर रहे हैं जी कीपिंग जी। तो क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है T20 वर्ल्ड कप के लिए? इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन एक बल्ला अगर आप दे देते तो, क्योंकि लक्ष्मीनाथ से जब इस सवाल का जवाब लक्ष्मी रतन शुक्ला देंगे, उसके बाद आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, आप दिखाएंगे दर्शकों को किस तरह का शॉट यहाँ खेल सकते हैं बल्लेबाज, क्योंकि छोटे ग्राउंड्स में जहाँ स्क्वायर बाउंड्रीज छोटा होता है, मैं जानता हूँ कि कितना डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी आप जी कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर स्क्वायर लेग और मिड विकेट छोटा है तो आपका ये शॉट ऑलवेज बाहर जाता था। तो बल्ला भी आ गया है, और आपसे ये जानूंगा कि KL राहुल जो हम बात कर रहे थे, क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? देखिए हमको लगता है कि आपने जो बहुत एक अच्छी बात की कि एंजॉयमेंट, राहुल द्रविड एंजॉय करते थे अपना विकेट कीपिंग, शुरू में उन्होंने कहा था कि नहीं ज्यादा ही वर्कलोड हो जाएगा, बोला था कि आप करो, उसके बाद उन्होंने एंजॉय करना चालू किया। राहुल, KL राहुल अगर इस चीज को एंजॉय करते हैं तो वो हमको लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बन सकते हैं, लेकिन उनको एंजॉय करना पड़ेगा। क्यों मैं इस चीज को बोल रहा हूँ एंजॉयमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल
केएल राहुल अपने बैटिंग को लेके बहुत सीरियस रहते हैं। हमने उनके साथ हैदराबाद सनराइजर्स में खेला था और उनका जो डेडिकेशन है आप विश्वास करिए, ये लड़का बहुत मेहनती है। वो देख के ही पता चलता है कि नेट में इतना ज़्यादा समय निकालना, अपने आप को मोटिवेट करना और किसी भी निगेटिविटी में नहीं रहना, हमको लगता है कि केएल राहुल, अगर आप मेरी बात माने, तो वो इस विकेट कीपिंग को और बैटिंग दोनों, ये जो टू इन वन जो इनका काम है, वो एंजॉय करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो एंजॉय करें और परफॉर्मेंस भी करें तो इंडिया टीम का जो विकल्प है ऑलराउंडर का, जो T20 में बहुत ज़रूरत होता है कि सब कोई बॉलिंग करे, सब कोई बैटिंग करे, जिस तरह हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप धोनी के अंडर में जीता था, तो हमारे टीम को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। चलिए, ये साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल है, क्योंकि T20 विश्व कप खेलना है टीम इंडिया को अक्टूबर नवंबर में, और इस साल के शुरू में एक इंपॉर्टेंट, एक डिफिकल्ट सीरीज है भारतीय टीम के लिए, वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। आपको जो मैं बता रहा था कि ऑकलैंड में ईडन पार्क मैदान में, छोटा मैदान है, और चलते चलते देखेंगे लक्ष्मी रतन शुक्ला क्या कह रहे हैं। जब वो क्रिकेट खेलते थे बंगाल के लिए, नाइट राइडर्स के लिए, तो इस तरह के बाउंड्री में, आपको मैं बता सकता हूँ, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव खिलाड़ी थे, क्योंकि उनका शॉट मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से ऑलवेज सिक्सर्स के लिए जाता था। ये मुकाबला भी बहुत, मतलब आप चौके और छक्के देख सकते हैं, क्योंकि छोटा मैदान है। आप थोड़ा अगर दर्शकों को बताएंगे किस तरह का शॉट्स बल्लेबाज खेल सकते हैं यहाँ, क्योंकि मैदान छोटा है। देखिए, हमको लगता है कि आपने जो बोला कि मैदान थोड़ा कोन टाइप का होता है, तो हमको लगता है कि ज्यादा आड़ा आपको देखने नहीं मिलेगा। आड़ा मतलब हम लोग जो इस तरह मारते हैं, हमको लगता है आपने जो बोला कि ये शॉट आपको देखने मिलेगा स्ट्रेट बैट से मिड विकेट के ऊपर से, आपको मिड ऑफ और मिड ऑफ और आपका डीप कवर, ये वाला शॉट आपको ज्यादा देखने मिलेगा इस तरफ, और आपको सीधा देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटे मैदान में बैट्समैन हमेशा स्ट्रेट खेलने का कोशिश करते हैं। आपको मैं गेंद डालूंगा और आप अगर आपका वो विंटेज जो शॉट है वो खेल के दिखाएंगे खत्म करने से पहले। मुझे पता नहीं कि लेंथ सही रहेगा कि नहीं, आपका बल्ला तो जाएगा लेकिन मेरा लेंथ सही रहेगा कि नहीं, आप बताइए किस लेंथ पे डालने है आपको, वो क्रॉस बैट आप जिस भी लेंथ में डालिए वो क्रॉस ही जाएगा, क्रॉस ही जाएगा। अच्छा, देखते हैं। चलिए, न्यूजीलैंड में खेला जाएगा मैच, और शायद इस तरह का, मुझे पता नहीं कि लेंथ ठीक ठाक मैं डाल पाऊंगा या नहीं। अरे ये ज्यादा अच्छा है, बुमराह वाला डाल दिया था, ये बुमराह वाला बॉल, बुमराह दोनों का हो गया, वहीं गया, बाउंड्री के बाहर ही गया, और इस तरह का शॉट आपको देखने को मिलेगा जब मैदान में ये मुकाबला होगा, भारत बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड में खेला जाएगा मैच, और सभी चाहते हैं कि टीम इंडिया पहले ही मुकाबले से शानदार क्रिकेट खेले। ये था लक्ष्मी रतन शुक्ला का एनालिसिस, और मैच के बाद भी हम लोग जरूर आएंगे एबीपी न्यूज पर। देखते रहिए एबीपी न्यूज।